गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ड्रीम क्लासेस। और पार्ट वन आप लोग के क्लियर हो गए और पार्ट टू में हम लोग आते हैं और मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस बार आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनी हुई है। तो पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट वन देख लीजिएगा और पार्ट टू से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से, ठीक है। तो बस मैं आप लोगों के सामने ये PDF को सामने रखता हूँ और आप लोग इससे अपने क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट कर ले और सारे आंसर्स आप लोग खुद अवेलेबल कर लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होता है उसे सॉल्व कर लीजिए और जिसके आंसर्स अगर अवेलेबल हो पाते हैं नोटबुक से, गैस पेपर से या जैसे हो, ठीक है, आप अपना आंसर अवेलेबल कर लीजिए और उसके बाद फिर कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। 3-4 से 5 पार्ट्स आप लोग के लिए लेकर आएंगे जिसमें से 2 पार्ट्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, जो मैथ के जो क्लास 12th के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आने वाली बोर्ड की परीक्षा में वो आएंगे आप लोग के लिए। तो 48 से ये हमने आ गया 53 तक हम लोग बताया आप लोग को, फिर और चलते हैं नीचे। अभी बहुत सारे PDF है आप लोग के लिए। तो ये देखिए 53 के बाद ये आपका 54, 55, 56, 57, 58, 59 सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप लोगों से सॉल्व हो पा रहा है तो कर लीजिए और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आंसर्स किसी तरह आप अपना जो भी है किसी न किसी बुक से, आप जो आप बुक पढ़ते हैं वहाँ से भी आंसर्स अवेलेबल कर सकते हैं। हमारी ड्रीम क्लासेस द्वारा बहुत कुछ आप लोग के लिए किया जा रहा है। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और उम्मीद है कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे। 65 आप लोग के होंगे, आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहिए कंटिन्यू। 66 से हम लोग आते हैं, 7, 8, 9, 10, 6, 70 चलिए और आते जाते हैं हम लोग धीरे धीरे। 71, 72, 73 वीडियो को आराम से रोकिए, आराम से डाउनलोड कीजिए, नो प्रॉब्लम। 74, 75, 76, 77 और सबके ऑप्शंस दिए हुए हैं 78, 79। तो ये 79 तक हो गया, फिर हम लोग बैक आते हैं। कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाना नहीं आप लोगों को। ये 5 हो गया था, 6th PDF हम लोग खोलते हैं। 79 होने के बाद 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 अभी और आते हैं, अभी तो पूरा वीडियो बाकी है आप लोग के लिए। 87 अब देखें मैट्रिक्स, ठीक है, अब मैट्रिक्स में हम लोग चले आए, वो ट्रिगोनोमेट्री आप लोग का क्लियर हो गया और पहला लेसन भी जो मैंने बताया था वो भी आप लोग का क्लियर हो गया। मैट्रिक्स में हम लोग आते हैं, देखिए ट्रिगोनोमेट्री से मैंने 87 क्वेश्चन, ठीक है, और जो पहला लेसन था उससे भी शायद मैंने 47 या 48 क्वेश्चन गैस किया था सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। और ये सारे क्वेश्चन उम्मीद नहीं है, एकदम 100% आशा रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हमारे YouTube चैनल, हमारी टीम ड्रीम क्लासेस द्वारा बहुत कुछ आप लोगों के लिए कर रही है हमारी टीम ड्रीम क्लासेस। बस आप लोग सहयोग बनाए रखिए, हमारे चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, अपने जान पहचान जितने भी सबको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। क्योंकि 1 मार्च से जब ये 10 और 12 के एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे तो 1 मार्च से हमारी टीम ये जो 10 और 12 का जो बुक है मैथ का वो आपको लॉन्च करने वाली है, पूरी बुक 10, 9, 10, 11, 12। 9 का तो अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 10, 11 और 12 की पूरी बुक, यानी चैप्टर वाइज लेसन 1, 2, 3, 4, ठीक है, पूरी बुक आपको प्रोवाइड करने वाली है। एकदम एक एक लेसन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो आप अपने, आपके जो भी आने वाले हैं एग्ज़ाम देने वाले 12 के एग्ज़ाम, इस बार नहीं, जो 2019 में देंगे उन्हें आप अपना बता सकते हो। जो 10 या 12 दोनों में से कोई भी देंगे उन्हें आप हमारे चैनल के बारे में बता सकते हो कि 1 मार्च से हमारी यूट्यूब चैनल 10, 11 और 12 की पूरी बुक, ठीक है, मैथ की और भी शायद साइंस की भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। पूरा बुक एक एक मतलब चैप्टर वाइज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, लेसन 1, 2, 3, 4। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा लेसन, ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों ने लिख लिया और आगे चलते हैं। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, बहुत प्रॉफिट होने वाला है आपको एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो 9 का ये ऑप्शन था और ये 10 में हम लोग आ गए और 11 में, फिर 12 में
और कंटिन्यू बने रहिएगा, 5-6 पार्ट्स हम आप लोग के लिए बनाएंगे मैथ के, ऐसा नहीं कि एक दो पार्ट में ही छोड़ देंगे। 13, 14 और ये 15, 16, 17, 18 और चलते हैं हम लोग 19, 20, 21, 22 तक हो गया आप लोग का। और फिर जस्ट वेट बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मतलब लोग हमेशा 20, 22 हो गए। फिर हम लोग आते हैं और भी 6 तक हो गए थे, देखिए 29 है अभी, तो बस 6ठे पीडीएफ की तरफ ही हम लोग चले, अभी 29 पीडीएफ बताना। ये सब जितने भी है ना, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के पीडीएफ है। तो पीडीएफ नंबर 7 कहाँ है ये देखिए, चलिए 7 हम लोग खोलते हैं और 23 तक पिछले पीडीएफ में मैंने बताया था आप लोग को। और 24 ये सारे हमारी टीम जो है ड्रीम क्लासेस प्रोवाइड कर रही है आप लोग को, ठीक है। 25, 26, 27 एक बच्चे ने वैसे कमेंट किया था, सर आप सब सब्जेक्ट की वीडियोस कैसे डाल पाते हो, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम जो हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम है उसमें टोटल 6 टीचर हैं, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है, लेकिन वीडियोस उन लोगों के पास, ये खुद का मेरा चैनल है इसलिए मैं ही डालता हूँ, लेकिन जो गैसिंग होती है उन सभी टीचरों की होती है। मैथ के अलग टीचर हैं, जीएस के अलग है, रीजनिंग के अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके अलग अलग टीचर रखे हुए हैं, ठीक है। हमारी जो संस्था है बहुत बड़ी है, अच्छी खासी हमारी एक संस्था है ड्रीम क्लासेस, यहाँ अच्छे खासे टीचर्स हैं सब लोग, 29, 30, 31। तो बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाने पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने आपके जितने भी फ्रेंड्स जो भी सर्किल में सबको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन कंटिन्यू आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। 37 तक हो गया आप लोग को, वीडियो को आराम से रोक के देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। और 38 पे आते, इधर आते हैं, चलिए 38, 39, 40, 41, 42 आप लोग आराम से रोक के देख लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, 43, 44, 45, 46 आंसर आप लोग को खुद अवेलेबल करना पड़ेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। अगर मैंने आंसर बनाना स्टार्ट कर दिया तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा आप लोग को, ठीक है। और पता चला कि आप लोग का एग्जाम से भी बढ़िया नहीं है, तो आंसर आप अपने लिए अपना खुद मेहनत कीजिए। 50, 51, 52, 53, 54 तो 54 हो गया आप लोग के। फिर मैं वापस आता हूँ, ये 7 नंबर पीडीएफ हो गया था और 8वीं पीडीएफ की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए 54 के बाद ये आपका 54 का ऑप्शन था, 55, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 60 हो गए। और नीचे आते हैं हम लोग 61, 62। अब देखिए हम लोग डिटर्मिनांट में आ जाते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनांट जो है थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप लोग देख लीजिए डिटर्मिनांट के बारे में। उसके बाद फिर 18 क्वेश्चन के बाद फिर अगले वीडियो के लिए रहने देते हैं, ठीक है। 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 और देखिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, 14, 15 और हम लोग आते हैं 16, 17, 18। तो ये आपके डिटर्मिनेंट्स के हो गए। एक बार फिर से हम लोग डिटर्मिनेंट्स की तरफ रुक करते हैं, और जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो तो इस वीडियो को पक्का देखेंगे मुझे पता है, और बहुत हैप्पी भी होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। जो बिहार बोर्ड के या थोड़े हिंदी मीडियम के होंगे उन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, पर नो प्रॉब्लम, आप मैथ है इसमें है ही क्या, मैथ को तो लेट वेट ये तो थोड़ा मोड़ा होते रहता है, ये सब छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो आप हिंदी तो आप समझ ही जाओगे मैथ के, ये साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे। तो आप अगर जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन्हें एकदम बिल्कुल ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। मतलब जिनकी थोड़ी बड़ी भी इंग्लिश अच्छी होगी वो समझ जाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर भी कोशिश कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू बना हुआ हूँ, ठीक है। तो ये देखिए डिटर्मिनेंट्स के थे, और अभी और आएंगे सारे सब्जेक्ट, मतलब चैप्टर वाइज मैंने बनाया है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी चैप्टर को मैंने छोड़ के रखा है, चैप्टर वाइज बनाया है मैंने, अभी आप लोग को दिखाया था, देखिए ये मैं बैक करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखिए 29 है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे पता है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट, और अगर आप इस टाइप की और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, आपके जितने भी दोस्त या जो भी हैं
सबको आप हमारे चैनल के बारे में बताओ, बोलो उन्हें सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।